नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और अब सीधा रुख करते हैं झांसी की ओर, जहां से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना पर पहुंची पुलिस ने सभी को मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस घटना से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष समेत अनेक पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। फिलहाल सभी को मोट स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि घटना पर मैं मौके पर पहुंचा और इस घटना में मैंने संबंधित झांसी SSP को अवगत कराया है और जल्द ही इस मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर झांसी से आप देख रही हैं, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। भाई जी, यहां पर एक डेड बॉडी आई है, तीन, क्या है पूरा मामला? हाँ, जानकारी मिली है कि जो झांसी कानपुर मार्ग है और परगाना बम्बा के पास जो है वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। और जानकारी ये भी मिली कि अज्ञात कोई वाहन है और ये लोग मोटरसाइकिल से थे। और भी जो जानकारी मिली कि ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो आधार कार्ड के जरिए, लेकिन अपन ने तत्काल यहाँ के SSP को कह दिया कि आप 8 पर और यहाँ सेमरी टोल पर निश्चित तौर पर चेकिंग कराई जाए, कम से कम ये जानकारी मिल सके कि कोई अगर ट्रक वाला या कार वाला या और भी बस वाला जिसने भी ये घटना की है, ये बड़ी ख़राब घटना है और तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? ये तीन लोग तो हमारे सामने ही जो है यहाँ अस्पताल में आए हैं और निश्चित तौर पर ये दुखद घटना है और इसके लिए अपन पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी जानकारी होना चाहिए कि कैसे ये घटना हाईवे पर घटी है।